आवाज़ अगर स्लो जाती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने माइक लगा रखा है। ठीक है, और शुरुआत करते हैं अपनी ये क्लास। और ये क्लास आपको बता दूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत अब हम बात करने वाले हैं आज के क्लास के समय में, आज के टाइम में, तो समाजकार या अभ्यास का बदलता हुआ जो प्रसंग है इन्हीं पर हम लोग। इसके अंतर्गत एक पॉइंट दिया गया है कि समाजकार या अभ्यास से संबंधित जो नवीन दृष्टिकोण है, जो नए नए पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, उनको देखना है, प्रवृत्तियों को देखेंगे और चुनौतियों को देखेंगे। ये तीन तथ्य यहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विविध परिवेश में समाजकार या अभ्यास। ये बेसिकली समाजकारी का जो क्षेत्र है ना, उन्हीं से ये टॉपिक लिया गया है, ये कार्यस्थल पर है। तो इन पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा और वहाँ से वो चीज़ें आपको रिकवर हो जाएगी। जब समाजकारी का जो मैंने क्षेत्र पढ़ाया है, वही टॉपिक यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे समाजकारी के संबंध में कुछ नवीन दृष्टिकोण। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ समाजकारी में, तो जो ये समाजकारी का जो नवीन विषय है, समाजकारी एक नवीन विषय तो है ही है, और इस परिप्रेक्ष्य में विकास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या पूर्ति करने के लिए समस्याओं को विशिष्ट ढंग से समाधान करने के उद्देश्य से समाजकारी जो है एक प्रकार से मानवीय आवश्यकताओं पर फिर बातचीत करता है। तो पेपर में प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ से अप्लाइड प्रश्न लिखा रहेगा कथन या कारण में या पॉइंट में कि समाजकार्य एक नवीन विषय है। तो बिल्कुल आप लोग कहिएगा कि समाजकार्य एक नवीन विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, आप लोग ये ध्यान रखेंगे सभी लोग कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने और समस्याओं का विशेष ढंग से समाधान करने के उद्देश्य से हुआ है समाजकार्य का विषय जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। समाजकारी करना कोई नवीन कार्य नहीं है, कोई नया कार्य आप नहीं देख रहे हैं। अनप्रोफेशनल तरीके से कई लोगों ने, आपने सुना भी होगा, प्राचीन काल के समय से ही चला आ रहा है, मध्यकाल में भी, आधुनिक युग में बेसिकली प्रोफेशनल व्यवसाय सोशल वर्क हुआ है ना, तो उसमें देखने को मिला कि एक व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो वो समाजकारी होता है। तो व्यवसायिक ढंग से लोगों की सहायता करने के लिए इस उपागम का विकास हुआ आज के आधुनिक समय में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं समाजकारी के संबंध में नवीन दृष्टिकोण एवं चुनौतियां। तो इसके अंतर्गत पहला एक पॉइंट मेंशन किया गया है दृष्टिकोण के परिपेक्ष में कि समाजकारी से संबंधित अर्ध व्यवसायिक दृष्टिकोण। बड़ा अच्छा ये पॉइंट मेंशन किया गया है, और ये पॉइंट है समाजकारी से संबंधित अर्ध व्यवसायिक दृष्टिकोण। इसका मतलब आप जानते हैं ये क्या जिक्र करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पहले आपको जान लेना जरूरी ये है ना, कि अर्ध व्यवसायिक और भी कोई बताना चाहेंगे व्यवसायिक के संबंध में? चलिए, अच्छा देखिए, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ अर्ध व्यवसायिक के, तो मैं एक शब्द आपको समझा देता हूँ यहीं साफ शब्दों में, आप ताकि ध्यान रखेंगे, पेपर में भी हमसे हो सकता है पूछ लिया जाए। सेमी प्रोफेशनल समाजकारी की जिक्र बेसिकली जो देखने को मिला, वो मिला मोहम्मद जुबैर अहमद के माध्यम से। मोहम्मद जुबैर अहमद का नाम मिला अर्ध व्यवसायिक समाजकार, इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। और ये बेसिकली जो अर्ध व्यवसाय समाजकारी है, तो यहाँ पूर्ण रूप से समाजकार्य अभी नहीं हुआ है, इस बात से शायद आप सभी लोग सहमत है।
पेपर में सवाल एक बार आया कि अभिकथन में कि समाजकारी व्यवसाय की प्रक्रिया क्या पनपी है अभी या पनप चुकी है, इस तरीके के शब्द जो है हमें पेपर में सवाल के रूप में देखने को मिला। तो ये प्रश्न यहीं से पूछा गया था, अर्थ व्यवसाय होने के नाते अभी पूर्ण रूप से प्रोफेशनल सोशल वर्क नहीं हुआ है। अर्थ का मतलब सेमी, सेमी का तात्पर्य आप सभी लोग को भलीभांति तरीके से मालूम होगा कि कहीं ना कहीं हाफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। हाफ का मतलब होता है कि पूर्णता के रूप में ना लिया जाए, है ना, पूर्णता के रूप में ना लिया जाए, एक आधे भाग के रूप में लिया गया, है ना, एक आधे भाग के रूप में लिया गया। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि समाजकार्य क्षेत्र में कार्यरत अप्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा जब किसी कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों और अनुपालन किया जाता है तो इस प्रकार के समाजकार्य को अर्ध व्यवसाय समाजकार्य की संज्ञा दी गई। अब साफ शब्दों में स्पष्ट हो गया है कि अगर आप प्रशिक्षित कार्यकर्ता है कोई, है ना, और वो कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों का अनुपालन कर रहा है, जैसे आपने सुना भी होगा कि कोई एनजीओ ओपन हो गया है ना, किसी व्यक्ति ने एनजीओ ओपन किया, वो अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता से नहीं जुड़ा हुआ है, या आपसे ये कहिए कि MSW वगैरह की डिग्री प्राप्त नहीं है, तो ऐसे संबंध में हम उसे भी कह सकते हैं कि ये अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य की कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल्याणकारी संस्था से जुड़ा हुआ ये कार्य, इसलिए आपका ये करेक्ट है, है ना, इस बात को आप खास कर रहे हैं। आकाश जी, आप क्लास को समय पर ज्वाइन किया करें, ठीक है, 9:07 हो रहा है, ठीक है, समय से पहले आप क्लास को ज्वाइन करें। कल भी आपने लेट क्लास ज्वाइन किया और आज भी आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। ऐसे अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का विचार है कि कल्याणकारी संस्थाओं के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, फिर कहा जा रहा है कि ऐसे अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का विचार है कि कल्याणकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज कल्याण कार्य का संचालन और अभ्यास करते हैं। आपने समाज में देखे भी होंगे कई लोगों को जो अप्रशिक्षित हैं, जो अनट्रेंड हैं, और वो सोशल वर्क का काम करते हैं। एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं को उन लोगों को जो है मार्गदर्शन देना या विभिन्न क्रियाविधि में सक्रिय रूप से भूमिका निभाना, ऐसे व्यक्ति को आप अर्ध व्यवसाय समाज कार्य का दृष्टिकोण देंगे। अतः इन्हें व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के अनुरूप ही पद, स्तर, उपाधि प्रदान की जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में ही पद, स्तर, उपाधि प्रदान की जाती है। क्या ये बात सत्य है, ये होना चाहिए? एक बार अपने शब्दों में बताइए कि अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण में जो देखा जाता है एक अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर को, वो कल्याणकारी संस्था के माध्यम से काम तो करते हैं और फिर उनको जो है एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के जिस तरीके से दर्जा दिया जाता है, पद, स्तर, उपाधि, ठीक उसी प्रकार से इनको भी दिया जाता है। तो क्या ये शब्द से देखा जाए तो ये उचित है, आप बताएं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सत्य बात है, यहाँ पे ये चीज़ होना भी चाहिए और ये कहना उचित नहीं है। इसलिए इनको कहा गया भाई ये अर्ध व्यावसायिक है, फिर भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए, जो आयोग है इन लोगों को फोकस करना चाहिए कि ऐसी उपाधि अगर आप दे देंगे तो फिर ट्रेंड सोशल वर्कर है उनका क्या भूमिका होगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं श्रीमती क्लार्क के महोदय के बारे में। इन्होंने विचारधारा को अस्वीकार करते हुए दो प्रमुख दोषों का स्पष्टीकरण कर दिया। आपको मैं वही हेलन क्लार्क की बात कर रहा हूँ, इनकी किताब 1947 में आई थी। किसी को मालूम है किताब का नाम क्या था उनके, बताइए जरा एक बार, किसी बच्चे को किताब के बारे में इनके जिक्र किया गया है तो क्या आपको पता है इनकी किताब का क्या नाम था? हाँ, समाजकारी में इन्होंने जो किताब मेंशन किया था, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, बहुत बढ़िया जवाब। और यही किताब सन 1947 में आया था और इस किताब में
तीन युगों के बारे में जिक्र किया गया था। आप भलीभांति तरीके से तीन युगों से परिचित हैं, जिसे प्राचीन काल कहा गया और मध्यकाल कहा गया, आधुनिक काल कहा गया। प्राचीन में व्यवसाय समाजकारी से भिन्न था प्राचीन युग में, और 18वीं शताब्दी में मानवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। आधुनिक युग में प्राचीन काल और मध्य युग की भांति ही काल में अगर हम बात करें, दया धर्म मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के आधार पर जो सेवा कार्य का प्रचलन था वो केवल नाम मात्र था, परंतु आज धीरे धीरे जो है ये व्यवसाय समाज कार्य का रूप ले लिया। फिर उसी के आधार पर इन्होंने कुछ दो दोष बताए हैं, दो टाइप के दोष हैं। पहला है, यह कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी कल्याणकारी संस्था के संबंध में रहकर कार्य करने के सभी लोग जो कार्यकर्ता हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। कहने का भाव ये है कि किसी भी समाज कल्याणकारी संस्था से संबंध में रहकर अगर कार्य करने वाले जो सभी कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षित कार्यकर्ता के संदर्भ में अप्रशिक्षित कार्यकर्ता को व्यवसायिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। शायद अभी किसी बच्चे ने जवाब दिया था, उनकी बात यहाँ पे सत्य हो गई कि भाई अगर आप अनप्रोफेशनल सोशल वर्क को आप सामाजिक कार्यकर्ता के अनुरूप पद स्तर उपाधि वगैरह दोगे तो बताइए वो कार्य सही तरीके से कर पाएंगे, जो ट्रेंड है ही नहीं। तो यही बात को क्लार्क ने साफ शब्दों में मान्यता ही नहीं दिया, और ये व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होते। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा कि फैक्ट पर याद मत रखिए कि एलन क्लार्क ने ये बात कही है। अगर याद है, अगर आप लेक्चर वगैरह दे रहे हैं कहीं तक, अगर आप बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु इसको आप ध्यान रखें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से अप्लाइड प्रश्न बनता है। इनके कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें केवल, बस है ना, मान्यता नहीं देनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है कि समाज कल्याण संस्था के संबंध में सभी कार्यकर्ता, जी सर जी बताया, सॉरी आवाज सर आपकी स्पष्ट नहीं, प्लीज एक बार थोड़ा सा लाउडली बोले, क्या कह रहे हैं जी? जी जी हाँ, नहीं ये बात आपने सत्य कहा, ये बात सत्य है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से दोष है और ऐसा होना नहीं चाहिए कि समाज के, लेकिन देखो आप अगर कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, आप कल्याणकारी संस्था ओपन कर दिया, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, परंतु वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर की उपाधि दो, आप अपने आप को वहाँ पे सोशल वर्कर मत कहो कि मैं सोशल वर्कर, है ना। मैंने कई लोगों को देखा हो कि जो सोशल वर्क में अनप्रोफेशनल है, काम करते हैं राजनीतिज्ञ वाला, चार जगह बैठ के चाय की टपरी पे, हाँ तो हाँ वो अपने आप को, हाँ अगर उनका आप पंपलेट देखेंगे और भी देखेंगे तो लिखते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्कर, इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं, परंतु इस पर रोक लगा देनी चाहिए जल्द से जल्द, है ना। बिल्कुल 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 सही बात, सत्य बात आपने बोला। और आगे बात करते हैं दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, समाज कल्याण संस्था के संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को व्यवसायिक कार्यकर्ता का पद और स्तर नहीं प्रदान किया जा सकता। बात यह है कि समाज कल्याण संस्था के संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता का पद स्तर नहीं दिया जा सकता, बात सत्य है। क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? रीज़न ये है कि हम इसलिए उनको ये नहीं दे सकते क्योंकि वो अनप्रोफेशनल हैं। MSW किया है तो भाई ठीक है, चलो उसने अगर MSW के आधार पे प्रोफेशनल सोशल वर्क का काम किया हो, हॉस्पिटल में काम किया हो या किसी NGO वगैरह में काम किया हो या गवर्नमेंट में काम किया हो तो अच्छी बात है, है ना, या किसी समुदाय या समूह में काम किया हो तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे डिग्री होने के बाद आजकल क्या है कि कोई अगर व्यक्ति जैसे फाइल वगैरह स्कूल में मेंटेन कर रहा है तो उसे पता चला कि मेडिकल सोशल, उस स्कूल के टीचर महानुभाव इतने होते हैं कि अपने ही जो वहाँ पे एम्प्लॉय होता है उससे कहते हैं कि आप MSW कर लो, और वो MSW कर लेता है और उसी में कार्यरत हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और जो ऑलरेडी पढ़े हैं, जो यहाँ पे करके जा रहे हैं, उनको कोई जगह ही नहीं मिल पा रही मार्केट। तो प्राइवेट में भी जो है इसका दर्जा देना चाहिए, बट
अभी तो ये तो 7-8 सीटें निकालता है, 3 सीटें निकलती है, 3-4 सीटों से कुछ होने वाला थोड़ी है इस समय। अरे बहुत अब हो गए हैं सोशल वर्कर, अब आए दिन आप सुन भी रहे होंगे कोई कहीं पर मेडिकल सोशल वर्क कर रहा है, कोई कहीं पर कर रहा है ना। जो अब जागरूक हो गए हैं वो करते भी हैं, और इसमें समझो कि आप बायो मैच और आर्ट तीनों इन्वॉल्व हैं MSW में, तीनों इन्वॉल्व है ना। तो व्यवसाय समाज कार्य के जो पद और स्तर नहीं प्रदान करना चाहिए, ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल ये सर आपको बता दूं, मैं एक बार अभी मेडिकल सोशल वर्क की क्लास ले रहा था उत्तराखंड वहाँ के यूपी की PGI का, कुछ बच्चे ऐसे भी वहाँ पे थे जो उसमें जॉब भी कर रहे थे एज अ ओपीडी में, एज अ ओपीडी में वो जॉब कर रहे थे, जो कि मेडिकल सोशल वर्क ओपीडी के लिए थोड़ी गया है वहाँ। मतलब थोड़ी है कि भाई आप ओपीडी में बैठा तो पर्चा काटेगा वो बैठ के, अरे उसको काउंसलिंग वगैरह करने के लिए कहीं अगर कोई मरीज आ रहा है, पेशेंट आ रहा है बहुत होपलेस है, अभी आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे जिसको आप देखेंगे ना, पेरेंट्स इतने घबराए होते हैं, जो सीरियस इमरजेंसी केस में चले जाइए आप देखिए, इतने घबराए होते हैं कि पूछिए मत, और डॉक्टर सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं उसको। नर्स वगैरह जो जो प्रैक्टिकल पर बैठे हैं वो भी सही तरीके ट्रीट नहीं करते हैं। ऐसी जगहों पर भाई एक मेडिकल सोशल वर्कर वहाँ पे होना चाहिए, वो अपने तरीके के अपने स्तर पर लोगों को मोटिवेट करते हुए उनको जोड़ेगा समाज कार्य की मुख्य धारा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो गांव में प्राथमिक चिकित्सा है, बिल्कुल जो गांव में प्राथमिक चिकित्सा है वहां पर भी ये जरूरत है, वहां पर भी जरूरत है, है ना। ये चीजें हैं देख सकते हैं अभी आगे, क्योंकि समाज कार्य व्यवसाय के रूप में अपमान जो है अपनाने वाले कार्यकर्ता को समाज कार्य के क्षेत्रांतर्गत विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे एजुकेशन से या आप प्रशिक्षण या प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप मेडिकल सोशल वर्कर कहलाएंगे ही नहीं। इसके लिए डिग्री होती है, 2 साल का भैया प्रोग्राम होता है, आप उसको पढ़ो अच्छे से। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं BSW करके MSW किए हैं, और उनका जो उद्देश्य यही, इसका मतलब यही उद्देश्य है ना कि BSW करने का मतलब कि भाई सही तरीके से हम इसके बारे में डिटेल की जानकारी रखें, इसलिए तो वो BSW किया फिर MSW किया। कुछ बच्चे ने तो MSW भी किया है, चलो अच्छी बात है भाई MSW तो किया तो बंदा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज भी सोशल वर्कर का जो है उतनी जो है दर्जा प्राप्त अभी नहीं है, है ना। और ऐसा तब हो सकता है जब सरकार जागरूक हो, है ना, सरकार जब जागरूक होगी तभी ऐसा हो पाएगा, हॉस्पिटल में तभी सही तरीके से काम हो पाएगा, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर बात हो चाहे वो शहरी स्तर पर बात हो। और एक सोशल वर्कर का होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, और वो भी सही तरीके से काम करे, जो भी सोशल वर्कर हो भाई, आप इंटरव्यू लो, कई एग्ज़ाम लो, लेकिन कई लोगों का सिलेक्शन दो, आप जो अव्वल आए जो हाइएस्ट नंबर ले आए उसी को सिलेक्शन दो, अदरवाइज हाँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी आवाज़ वगैरह स्पष्ट है सभी लोगों के पास, एक बार क्लियर कर दीजिए, स्पष्टीकरण बता दीजिए। ओके फिर उसके बाद अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग कि व्यवसाय समाज कार्य के संबंध में यहाँ पे जो नवीन दृष्टिकोण हैं इससे प्रश्न अप्लाइड आएंगे, फैक्ट नहीं आएंगे, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप खासकर ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है व्यवसायिक स्तर प्रदान करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार का किस स्तर का प्रशिक्षण जो है व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त जो है ज्ञान दिया गया है। मतलब चलो ठीक है, आजकल आपने मेंशन कर दिया है सर्टिफिकेट पे भाई, अच्छा बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं,
मैं तो कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास जो है लगभग कितने बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, लगभग 47 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि मेरी जो MSW है वो किस डिपार्टमेंट से है, क्योंकि यहाँ पे कभी कह देता मेडिकल सोशल वर्क पर हमें लेना है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट से किया हुआ, कुछ बच्चों ने वुमन और एम्पावरमेंट से किया है, कुछ बच्चों ने लेबर से किया है MSW, है ना। तो चलो ठीक है, आप यहाँ पे उसको दर्जा दे रहे हो, अगर वो मेडिकल सोशल वर्क से है तो मेडिकल का दर्जा दे रहे हो, लेबर से है तो लेबर से दर्जा दे रहे हो, परंतु सर्टिफिकेट में प्रोग्राम में ये मेंशन कर देना चाहिए। अगर आप मेंशन करेंगे तो बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी बात ये यहाँ पर होना चाहिए कि अगर वो व्यावसायिक ज्ञान सोशल वर्कर अगर है तो उसके सिलेबस में आपने मेडिकल सोशल वर्क ऑलरेडी दे रखा है, HIV एड्स का भी एक सब्जेक्ट दे रखा है आपने, लेबर का भी सिलेबस दे रखा है आपने, लेबर के बारे में, फिर आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी सिलेबस देगा। मैं सबकी ये सब सब लोगों ने पढ़ा है, ये जो टॉपिक मैं बताया हूँ सब लोगों ने पढ़ा है। तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे में उनको सभी सोशल वर्कर को यहाँ पे ये हटा देना चाहिए कि मेडिकल सोशल वर्कर के स्टूडेंट को लिए। मेडिकल में अगर आप ले रहे हैं तो भाई मैं कह रहा हूँ मेडिकल में कोई खास अलग से उसने थ्योरी थेरेपी नहीं पढ़ ली है, आपने लेबर वाला जो पढ़ा है थ्योरी थेरेपी, वही थ्योरी थेरेपी आप भी पढ़ के गए हैं, कोई अलग से कोई किताब आई आई नहीं कि आपके लिए सेपरेट बहुत अच्छा सा बनाया गया है, उसमें बहुत डीप में लिखा गया है सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि आप एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा महिला के बारे में ज़्यादा देखेंगे, लेबर के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, बस ये एक थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उतना अंतर नहीं है जितना अंतर यहाँ पे बेसिकली दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और वैसे देखिए मेडिकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, लेबर वालों को मैंने देखा ही नहीं आज तक, है ना, लेबर वालों की वैकेंसी ना तो कभी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले को वैकेंसी मैंने देखी, जहाँ पे देखता हूँ क्वालिफिकेशन आता है सीधा सीधा कहता है भैया कि डिजास्टर मेडिकल आप सोशल वर्क क्वालिफिकेशन में डाल देता है कि जो मेडिकल से क्या होगा उसी के एम्प्लॉय जो भरा जाए। एम्स में खासकर ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है एम्स वाले देते हैं, बट ऐसा नहीं। हाँ तो ये बात ध्यान, अब देखिए दूसरी बात ध्यान रखिए, एक बार म्यूट हो जाइएगा प्लीज, एक बार आप लोग म्यूट हो जाइएगा प्लीज, म्यूट हो जाइएगा आप लोग। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने ये कहता है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण क्या है। एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्यकर्ता को मानव व्यवहार और वैज्ञानिक सिद्धांत और सामाजिक संस्थाओं की संरचना और संगठन का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए अर्ध व्यावसायिक में हम कहीं ना कहीं देख रहे थे जो अनट्रेंड था और जो ट्रेंड थी, इन दोनों का कंपेयर देख रहे थे कि भाई कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है, किस तरीके से काम हो रहा था। अब व्यावसायिक दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि सामाजिक संस्था की जो संरचना है जो संगठन है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, है ना, मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना पड़ेगा, और मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक ढंग से, कौशल के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया दूसरी पॉइंट में कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्ष, अब प्रत्येक पक्ष क्या हो सकता है, वृद्धावस्था, अनाथालय, स्कूल, अस्पताल, व्यवसाय, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, निगम, अनेक सार्वजनिक और निजी एजेंसियां में होते हैं जो जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों की सेवा करते हैं। आज समाजकारी केवल अच्छे कार्य करने और शोषित व्यक्तियों की सहायता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता का विशेष सामाजिक आर्थिक संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए ज्ञान और निपुणता को विकसित करना आवश्यक है। इसका कहने का जो भाव है कि कोई अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर व्यक्ति चाय की टपरी पर बैठ कर अगर किसी को ज्ञान बांट रहा है कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी, ये सोशल वर्क नहीं है। कहने का भाव ये है कि एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास विशेष ज्ञान है, जो अपने वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से वो समाजकारी के लोगों को, समाजकारी में जो व्यक्ति हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, वही कार्य कहलाता है व्यावसायिक दृष्टिकोण, वो कार्य होता है व्यावसायिक दृष्टिकोण। ज्ञान तो सभी लोग देते रहते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके मित्र होंगे कोई लोग, है ना, जो मेडिकल सोशल वर्क नहीं किया होगा वो भी कुछ ना कुछ बातें बताते रहे होंगे किसी और को, है ना। और मित्र ही नहीं, आप कहीं अगर चले जाइए अपने रिश्तेदार में, रिलेशन में भी, वहाँ पे जो है आपके रिश्तेदार ही आपको ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे, है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, पॉजिटिव होना चाहिए समाज को, सकारात्मक होना चाहिए, परंतु आप किसी के
पूरे अगर आपको कि दर्जा ही प्राप्त हो गई हो आपको, तो ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अतः समाज अगर बात करते हैं तो व्यावसायिक समाज कार्य का एक नियमित और विशेषीकृत शैक्षणिक विधा विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम अपनी भिन्न प्रविधि और सिद्धांतों से मुक्त है। कहने का भाव यह है कि विशेषीकृत के रूप में अगर बात किया गया शैक्षणिक विधा, शैक्षणिक विधा का मतलब एक प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण की बात, विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम अपनी भिन्न प्रविधियों के सिद्धांतों से मुक्त है। और ये बात सही भी है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क की जो पहचान है ना, वो भिन्न विधि लगाता है, विभिन्न प्रकार के टेक्निक लगाता है, वो सबसे अलग है, भिन्न है व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, है ना। उसके कम्युनिकेशन करने का तरीका, उसकी हर एक चीज़ें अलग है लोगों को सक्षम बनाने में, और उसकी पहचान है। तो एक नियमित और विशेषीकृत शैक्षणिक विधा विशेष के माध्यम से क्या करता है, वो लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। वहीं बात करते हैं आज समाज कार्य ऐसे संगठित व्यावसायिक संघों से युक्त है जो कि निष्पत्ति के मानकों तथा आचार संहिता के समावेशित व्यवहार को बनाए रखते हैं, समाज कल्याण के लिए सक्षम सेवा उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व का वहन करते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अमेरिकन एक एसोसिएशन है, एक नेशनल एसोसिएशन है जो आचार संहिता में बात किया है। आचार संहिता अमेरिका से लिया गया है, भारत में ये बात आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं। वहीं अगर भारत में आचार संहिता बनाने की बात होती है तो वो व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से बनाया जाता है। आचार संहिता में इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी व्यक्ति का शोषण करेंगे, किसी भी व्यक्ति का आप शोषण नहीं करेंगे। आचार संहिता का मतलब ये होता है आप रूल रेगुलेशंस को मानेंगे, सभी एक मानक होते हैं, एक मानदंड होता है, उसी के आधार पर आप काम करेंगे सेवार्थी के साथ। तो ठीक उसी प्रकार से कहा गया कि निष्पत्ति के मानक और आचार संहिता के समावेशित व्यवहार को बनाए रखते हैं, समाज कल्याण के लिए सक्षम सेवा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायित्व का वो वाहन करते हैं, यह है प्रोफेशनल सोशल वर्कर। इस तरीके से काम किया जाता है, नियम होता है, कुछ वैज्ञानिक विधि होती है। ये नहीं कि ऊट पटांग कहीं से कोई भी डेटा उठा लो, कहीं से कभी किसी को ज्ञान दे दो, तथ्य पता ना हो, कारण पता ना हो, आप निदान करना शुरू कर दो। सारी चीज़ों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए ये बातें आप सभी लोगों को पता है, परंतु प्रश्न यहाँ से अप्लाइड आते हैं, इसलिए आप सभी लोग चीज़ों को जो है ध्यान देंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग हमसे पूछेंगे तो हम जरूर आपकी उस बातों को स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। एक थर्ड पॉइंट आ गया। अभी तक आपने दो पॉइंट देखा, एक आपने देखा अर्धव्यवसाय के रूप में, एक आपने देखा व्यवसाय के रूप में। अब तीसरा पॉइंट देख रहे हैं प्रतिवैज्ञानिक दृष्टिकोण का, और वैज्ञानिकता का मतलब ही होता है विज्ञान। विज्ञान क्या कहता है, कहता है सुव्यवस्थित किसी चीज़ का अगर आप अध्ययन करेंगे तो सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, वही विज्ञान होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहती है, कहती है आप कोई भी काम करो ना क्रमबद्धता से फॉलो करो, एक सिस्टम से, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, टास्क एनालिसिस करो आप, तब जाके आप समाज कार्य कर पाओगे। तो समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने के संबंध में एक विद्वान है श्रीमती हेलन क्लार्क और डॉक्टर हेलन बिटमर, इनकी विचारधारा का सहारा लिया गया, जबकि बिटमर का विचारधारा आधारशिला मेलिनोवस्की का उद्गृत सामाजिक संस्था की परिभाषा थी। हालांकि मेलिनोवस्की कहते थे कि जो सामाजिकरण है, जो समाज है, वो बेसिकली प्रकारवाद को रिलेट करते हुए उन्होंने कहा कि एक सत्ता है, और सत्ता को जब रिलेट करा तो मेलिनोवस्की ने कहा कि संस्कृति को भी मेंशन करो उसमें। भाई समाज कार्य तब होगा जब आप किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से फॉलो करोगे, तब तो वो फॉलो होगा जब सामाजिक संस्था की आप परिभाषा देंगे। अब सामाजिक संस्था किस पर है, किस चीज़ पर काम कर रहा है, उसके आधार पे इन्होंने आधारशिला मेलिनोवस्की ने एक सामाजिक संस्था की परिभाषा दी। फिर उसके बाद इसी के आधार पर बिटमर ने भी समाज कार्य के सामाजिक संस्था के रूप को स्वीकार किया और कहा कि प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हुए समाज कार्य निम्न तथ्यों पर प्रकाश डाला। पहली बात इन्होंने ये डाला कि समाज कार्य वास्तव में एक व्यावसायिक सेवा है और ये 110% बात सत्य है। ये बात किसकी है, बिटमर की है। समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है, ये बात किसने कहा है, बिटमर ने कहा है। ध्यान रखेंगे कभी कभी प्रश्न हमसे पूछ लेता है कि ये किसने कहा है, तो यही कॉन्सेप्ट में आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी लोग। एक बार प्रश्न आ चुका है समाज और व्यक्ति दोनों अननोन सिद्ध होते हैं, यह हैमिल्टन की विशेषता थी और एग्जैक्ट करके वही प्रश्न पूछ लिया, तो इसलिए इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा, जो विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट पद्धति क्या अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर को पता होगा, जो कभी गया ही नहीं हो इस विद्यालय कॉलेज, उसे क्या मालूम इसके बारे में, अस्पष्ट।
एक बार क्लियर करिए। वहीं दूसरी बात करते हैं तो विशिष्ट प्रक्रिया और पद्धति का प्रयोग संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों को निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता है। तो उसका प्रयोग संगठित हो जाए, विशेष रूप से हो गया, व्यक्तियों को निर्दिष्ट जो ग्रुप है उनके द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तियों का यह निर्दिष्ट समूह समाज कार्य के विशिष्ट मूल्य, आदर्श और आदर्शन के आधार पर सहायता कार्य करता है। समाज कार्य की निष्पत्ति सहायता कार्य भौतिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। विटमर ने समाज कार्य को पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करने में जो है सफलता पाई है, लेकिन इसकी परिभाषा अत्यंत संकीर्ण एवं जो है एवं सीमित है। संकीर्ण का मतलब सरकरा, कल किसी बच्चे ने बताया भी था मुझे, नैरो, और सीमित है मतलब एक क्राइटेरिया है, एक बाउंड्री है उसकी। तो बिटमर ने समूह के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, मनोरंजन केंद्र, शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सालय, राष्ट्र इत्यादि को इसने स्वीकार किया। सामान्यतः यह देखा गया भी कि सामाजिक समस्याओं के अध्ययन तथा उसके संबंध में वैज्ञानिक तथ्यात्मक जानकारी के लिए समाज कार्य एक विशिष्ट प्रणाली है। समाज कार्य अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान प्रक्रिया की जानकारी हेतु उनका परीक्षण और पुनरीक्षण भी किया जाता है। इसी के आधार पर समाज कार्य का दृष्टिकोण व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों होता है। बात सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान रखें, व्यवहारिक और वैज्ञानिक। समाज कार्य की बात किया जाए, किस टाइप का दृष्टिकोण है आज के नवीन दृष्टिकोण में, अगर मैं बात करूं तो किस टाइप का दृष्टिकोण है, जरा बताइए एक बार। व्यवहारिक और वैज्ञानिक, नहीं व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों कहने के कारण हो जाए व्यावसायिक में, दोनों कह दोगे तो व्यावसायिक हो जाएगा, अगर दोनों बोल रहे हो तो आप व्यावसायिक बोल सकते हो, दैट इज राइट। तो बेसिकली यहाँ पर व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ कि आप अनुभव के आधार पर बताएं कोई चीज़, उसके साथ साथ रहकर बताएं, है ना, तो वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और वैज्ञानिकता का मतलब होता है क्रमबद्धता को फॉलो करो, सही तरीके से किसी कार्य को करो, है कि नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं चुनौतियों के बारे में। आज के समय में अगर हम बात करें समाज में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, अपने शब्दों में जरा एक बार बताइए कि क्या समाज अभ्यास के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, एक बार अपने शब्दों में प्लीज मुझे स्पष्टीकरण करें। समाज कार्य की चुनौतियां, चलिए आप लोगों ने अपने तरीके से कुछ चीज़ों को आपने व्यक्त किया है और अच्छा लगा, गुड, बहुत बढ़िया। देखिए वैसे अगर हम बात करें समाज कार्य में बहुत बहुत सारी चुनौतियां हैं, और अगर मैं आपसे बात करूं जिनमें से चुनौतियों के सामने जनसंख्या में व्याप्त जो धार्मिक अंधविश्वास है, अब आप किसी को चले गए बताने कि नहीं ऐसे ऐसे करो, है ना, और वो कहा नहीं भैया आप चले जाओ बालाजी, आप चले जाओ उस मंदिर में, तो आपकी ये जो ऊपर जो समस्या है ये समाप्त हो जाएगा। अब सोशल वर्कर उसे भाई काउंसलिंग करके उसे एक थेरेपिस्ट के पास भेजेगा या तो उसे एक डॉक्टर के पास भेजेगा, लेकिन कुछ लोग समाज में है ये बात, इस चीज़ को मानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। आपने ऐसे लोगों को देखा है? बहुत लोग, बिल्कुल। तो ऐसे लोग समाज कार्य के लिए एक प्रकार से चुनौती हैं, चुनौती का काम। हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने अभी एक राजस्थान में कोई एक काली कंबल वाले बाबा का नाम सुना था, आप लोगों ने देखा है वो वीडियो वगैरह, और वो अगर किसी को पीठ पे थप्पड़ मार देते थे या चाटे लगा देते थे वो बंदा ठीक हो जाता था। अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था भाई कि बताइए कि मानसिकता लोगों की बन गई कि हम वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। यही मानसिकता अगर दवा खा के कहें कि भाई अगर हम ये दवा खा लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, टाइम टू टाइम दवा लीजिए
मेरे बाबा समोसा खिला देते, सही कह रहे थे, समोसा खा लो जलेबी बट बात करो। हाँ तो ये सही कह रहे हो आप। देखो कहें, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जागरूक हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रिश्ते, आपकी जो फैमिली है वो भी जागरूक होगी, है ना, बड़ी अच्छी बात है, और इस तरीके से होना भी चाहिए, है ना, जागरूक होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात जी। हाँ देखो कभी कभी ये होता है ना, मैं आपको बता दूँ, जैसे देखो आपने क्लास में देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अगर एक मान लीजिए क्लास में अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कमज़ोर भी होता है, वीक विद्यार्थी भी होता है। मैं मेरा कहने का तत्पर अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक स्टूडेंट वीक होता है, तो वीक होने का मतलब ये हुआ कि उसे सही तरीके से टेक्निक वगैरह सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि समाज कार्य के सिद्धांत हमें कब लगाना है, समाज कार्य के हमें टूल्स कब यूज करने हैं, समाज कार्य के हमें प्रणालियाँ कब यूज करनी है, है ना। तो थोड़ा सा वो बच्चा सक्षम नहीं हो पाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि डॉक्टर में भी जो मरीज, जो पेशेंट आया है, वो सही तरीके से उसकी जो है इलाज, जो उसकी बीमारी है, जो उसकी बीमारी उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से उसने सही फार्मूले की दवा, हर एक दवा होती है, दवा में फार्मूले होते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए कोई दवा लेते हैं तो उसमें कभी निमोसुलाइड प्लस पैरासिटामोल लिखा होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक कुछ लिखा होता है, कुछ फार्मूले होते हैं, तो हो सकता है उस जो बीमारी है उस बीमारी की ये जो दवा है वो शायद सही तरीके से इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, या हो सकता है डॉक्टर ने इसके सही तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाया। ऐसा हम इसको कह सकते हैं कि दवा उनको सूट नहीं कर रही, तो हमें उनके पास जाना चाहिए, हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो है एक काउंसलर से जरूर मिलना चाहिए, वही सही तरीके से मार्गदर्शन दे पाएगा, है ना। और सही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्योंकि वो सही तरीके से वो इलाज कर पाएगा, है ना? तो मेरा यहाँ जो कहने का भाव था इस बात पर कि मैडम ने कहा अभी मुझसे कि जब वो इलाज सही तरीके से, दवा सही तरीके से सूट नहीं कर पाती है, तो उनको आखिरी रास्ता होता है भाई हम उनके पास जाएं, है ना, हम उनके पास जाए, ठीक है। अब आप लोग देखो, साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, साइंस मैथ सब कुछ आपने पढ़ा है, सारी चीज़ें सोशल वर्क में मिल जाती है। हाँ जैसे जैसे आप मेरा बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए मैं कह रहा हूँ मतलब ये हुआ, हाँ, जितना जैसे अभी देखिए मैं अगर आपसे बात करूँ खान सर की, खान सर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेटर जो है मैपिंग के बारे में, मैप जो पढ़ाते हैं, जो जिस तरीके ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। अभी इनको कह दिया जाए कि सर थोड़ा सा सोशल वर्क के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी डालें, थेरेपी वगैरह के बारे में टिप्पणी डालें, तो अब जैसे ये एक्सपर्ट नहीं ना उसमें, अगर वो अगर इस कुछ चीज़ को पढ़ लेंगे या उसकी जानकारी हो जाएगी तो वो उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो एक एक्सपर्ट को दिखे, अब आपके पास डिजीज अगर मान लीजिए कान की है तो कान वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्किन से वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आजकल जो डॉक्टर है ना मल्टी टैलेंटेड है ना, मल्टी टैलेंटेड है, वो स्किन को भी देख लेंगे, कान को भी देख लेंगे, नाक को भी देख लेंगे, यहाँ तक जुकाम वो भी देख लेंगे। हाँ तो कहने का तात्पर्य, अच्छा अब सोशल वर्कर यहाँ पे किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता है, सोशल वर्कर सारे फील्डों का असेसमेंट करता है, बस इतनी सी बात है। अब कोई बच्चा ये भी हो सकता सोच रहा होगा कि तब सोशल वर्क सारे फील्ड में क्या काम कर सकता, नहीं सारे फील्ड में काम नहीं कर सकता, सोशल वर्क सारे फील्डों में ऑब्जर्वेशन कर सकता है, अवलोकन कर सकता है, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है इसी तरीके से, है ना, उनको पढ़ाया ही गया है ऑब्जर्वेशन के लिए, उनको पढ़ाया ही गया है मार्गदर्शन के लिए कि लोगों को मार्गदर्शन दें, है ना। वो इलाज करने थोड़ी गए हैं कि वहाँ गए हैं पैरासिटामोल दवा लिखने के लिए गए हैं हॉस्पिटल में, वो उनकी गए हैं काउंसलिंग करने, उनकी गए हैं उनको सही तरीके से ताकि उनका इलाज हो सके, उसके लिए वो सोशल वर्कर गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, राजनीतिक जो है संरचना है, राजनीतिक संरचना भी एक प्रकार से अगर हम बात करें, अच्छा क्या टिप्पणी डालना चाहेंगे आप लोग बताएं जरा, विजेंद्र सर क्या आप नजर डालेंगे राजनीतिक संरचना पर, राजनीतिक संरचना क्या? बिल्कुल यहाँ जी जी हाँ
ओके, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका। जैसे कहने का भाव अगर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल 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 संघात्मक चीजों पर बात करेंगे। बिल्कुल करें बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया जवाब आपने यहाँ पे दिया है। बहुत बहुत बढ़िया। ये सब देखो यही सब है कॉमन, यही चीज होती है। अगर हम जब इस तरीके से अपने तार्किक चीजों को अमूर्त तरीके से जब तार्किक किसी चीज को कर लेते हैं तो परीक्षाओं में भी हम आसानी से प्रश्नों को आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसकी जो है आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां। देखिए अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति, देखिए जो रिप्रेजेंट यहाँ पे परिस्थिति को कर रही है, एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ तो आप भलीभांति तरीके से अनुकूल और प्रतिकूल शब्दों से रूबरू होंगे। यानी प्रतिकूल का मतलब जो पक्ष में ना हो, जो पक्ष में ना हो। अब ये चुनौती है। अब आप सोचिए आप चले गए किसी समुदाय में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी समुदाय में गए आप काम करने। अब समुदाय में जब आप किसी को बताने लगेंगे ना कि देखो कोविड के बारे में आप अपने हाथ को साफ सफाई से रखो और कई जो है डिस्टेंस बना के रखो, है ना, 2 गज की दूरी बना के रखो, इस तरीके की बात आप करने लगे कहेंगे हाँ ये सब फेक है। आज भी गांव में कुछ लोग को अगर मैं बताऊं तो कहते ये सब अफवाह थी। जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छा बीच में ये भी अफवाह उड़ी थी कि अगर आप टेक लेकर अगर मतलब आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो कोविड नहीं होगा, ये देखो है ना कोविड नहीं होगा। ये बड़ी विभिन्न प्रकार की जो ये एक प्रकार से ना आपकी बात समाज में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी आलोचना करेगा, कुछ तो आलोचना करेगा, चलो आलोचना करो तो कुछ हद तक ठीक भी होता है और वो तो साबित करने पर रहते हैं। आप कभी जाइएगा फील्ड में और देखिएगा हाँ तो वहाँ पे जरूर आप लोगों को 2-4 लोग अगर अच्छे मिलेंगे तो उसमें से एक ऐसा मिलेगा जिसको ये बोलते हैं हम लोग अपने साधारण लैंग्वेज बोलते हैं बंतु बोलते हैं, है ना, अपने आप को वो पता नहीं क्या बन जाएगा कि वही सोशल वर्कर बन गया समझो, है ना, मिलते हैं। और उसके बाद देखिए साधनों का अभाव। अच्छा किसी बच्चे ने अभी बताया भी था साधनों का अभाव। अब मान लीजिए जी जैसे साधनों का अभाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे हॉस्पिटल में भी चले जाओगे आप तो वहाँ पे मशीनें नहीं है। आजकल दिल्ली में कई हॉस्पिटल है ना रेफर होते रहते हैं इधर उधर कि कहीं अपोलो में चले जाओ तो कहीं एम्स में चले जाओ, कहीं सफदरगंज चले जाओ, कहीं किसी हॉस्पिटल आरएमएल में चले जाओ। कारण ये है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन ही नहीं है, और यही यही एक प्रकार का रीज़न। तो सोशल वर्क के लिए ये भी एक प्रकार की चुनौतियाँ हैं। कम्युनिटी में चले जाओगे किट ही नहीं मिलेगा संस्था की तरफ से, बैनर नहीं मिलेंगे, बैनर मिल गए तो माइक नहीं मिलेगा, माइक मिल गए तो और भी कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है। ये भी एक प्रकार से क्या है चुनौती है। स्वार्थ परकता व्यक्तिवादिता, इसका मतलब ये होता है कि आप सिंपल सी बात है सिंपल सी कि आप अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे है कि मेरा एक्सपीरियंस बन जाएगा, कुछ लोग तो ऐसे भी है कि सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं। अगर वो व्यक्ति ऐसा काम भी नहीं करेगा और चार्ज नहीं लेगा तो फिर तो क्या होगा। लेकिन ये बात सत्य है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन स्वार्थ परकता का मतलब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया अपने व्यक्तिगत हित की बात करने लगते हो, आप अपने व्यक्तिगत चीज़ों की बात करने लगते हो, तो ऐसी कंडीशन पर ये पॉइंट गलत हो जाता है।
तो स्वार्थ स्वार्थ परकता नहीं होनी चाहिए, और ये चुनौती है, कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाते हैं। व्यक्तिवाद की बात करें, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल रिलेट करा सकते हैं, बिल्कुल। जहां देख रहे हैं आप लोग कि स्वार्थ की बात आ रही है, स्वयं की हित की बात आ रही है, तो वो जाहिर सी बात है वो स्वार्थ परकता हो जाएगा। और व्यक्तिवाद क्या होगा कि आपको लगा कि भैया ये जो है हमारे जो है क्या नाम है, डॉटर जैसी लग रही है, हमारी वाइफ जैसी लग रही है ना, हमारे जो माता जैसी लग रही है, बहन जैसी लग रही है। इस तरीके से जब आप काम करने लगते हैं तो वहाँ पर भी भेदभाव आ जाता है, और भेदभाव की वजह से ये काम नहीं हो पाता है। तो ये प्रकार से चुनौतियाँ हैं। ये बहुत लोग ऐसा होता, मैंने पढ़ाया भी अंतरण प्रतिअंतरण के बारे में, और प्रतिअंतरण और अंतरण यही व्यक्तिवादिता में ही देखने को मिल जाता है। जनसंख्या वृद्धि है तो चुनौती है, अशिक्षा भी है चुनौती है। अशिक्षित व्यक्ति भी अपने आप को सत्य स्वीकार करने का प्रयास करने लगता है कि नहीं। अब अपने पुराने ख्यालों में जी रहा है ना, पुराने ख्यालों में जी रहा है। आज के समय में जो समाज के परिवर्तन है वो कई तरीके से चेंजेस आ चुके हैं, परिवर्तित हो चुका है ना, वो नहीं देखने वाला है। वो व्यक्ति पिछले ही कंडीशन को लेकर चला आएगा, और उस व्यक्ति जैसे उस व्यक्ति की वजह से अगर मैं बात करूँ तो समाज में कहीं ना कहीं आज भी बुराइयाँ व्याप्त हैं। पूर्ण रूप से बुराइयाँ समाप्त हो ही नहीं सकती है ना, वही चीजें हैं। शासक वर्ग की निरंकुशता, अच्छा कितने लोग यहाँ पे समझ रहे हैं निरंकुशता का अर्थ, निरंकुशता बताएं जरा एक बार। स्वेच्छा चरित्र है ना, एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण ना हो, तो बताइए शासक वर्ग की अगर उसमें कोई अंकुश ना हो, कोई नियंत्रण ना हो, तो वो निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश निर प्लस अंकुश, जिस पे कोई अंकुश ना हो, जिस पे कोई नियंत्रण ना हो, हाँ वैसा शासन जिस पर कोई नियंत्रण ही ना हो। आपने नाम सुना है फ्रांस की क्रांति में, लुईस नाम था उसका, क्या नाम था उसका, लुईस ही नाम था, फ्रांस की क्रांति लुईस। वो लुईस की जो, जब लुईस की बात अगर हम करते हैं तो वो कर बढ़ा देता था, टैक्स बढ़ा देता था, और अलग अलग कंट्री से उसने इतना लोन ले लिया था, इतने पैसे ले लिए थे कि पूछो। अच्छा रीज़न ये भी था कि उसकी वाइफ जो थी बड़ी खर्चीली थी, बहुत खर्चीली थी, और इसकी वजह से फ्रांस में जो है फिर क्रांति उठी। भाई जब किसान लोग थे उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है ना, और फिर उसके बाद किसान लोगों को बुलाया अपने यहाँ महल में बातचीत करने के लिए, लेकिन जो लोग थे, जनता जो थी, वो लोग सोचे कि ये जो है बुला के फांसी दे देगा, मार देगा, तो वही विद्रोह हो गया। तभी इसी वजह से फ्रांस की क्रांति जो है फेमस हुई थी। तो वो अपना शासन चलाता था, और ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो जाता तो उसका बेटा आता, उसका बेटा आता, ऐसे ऐसे चल रहा था, कोई शासन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए आपको बताऊँ कि ये भी प्रकार की चुनौतियाँ हैं। आज भी कहीं कहीं पर परिवार में चले जाओ, बड़े बुजुर्ग हैं गांव में, तो खासकर होता है, कोई भी अगर फैसला होना है, कोई भी चीज़ अगर लेना है निर्णय, तो वो बड़े बुजुर्ग लेंगे है ना। तो ये चीज़ आती है, मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति सक्षम है सही तरीके से किसी चीज़ को निर्णय लेने, वो निर्णय लेता है बहुत बेटर, बहुत अच्छी बात है, बड़ी छोट की बात नहीं है। निर्णय कौन ले रहा है और निर्णय कैसा है ना, ये चीज़ें देखना उचित होगा। यह इस बात से आप सभी लोग सहमत हो है ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव ज़्यादा है, ये बात आप जानते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आज के समय में परिवर्तित हो रहा है, समय समय पर चीज़ों को बदला जा रहा है, जो हर जगह से जानकारी आ रही है, देखने को मिल रहा है, उसके अनुसार भी हमें ढलना चाहिए है ना, हमें ढलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने लोग बदलना नहीं चाहेंगे, नए लोग बदलना चाहते हैं, और बदलाव होना ज़रूरी है, हर फील्ड में बदलाव होना ज़रूरी है।
बदलाव ही विकास का एक प्रकार से मार्गदर्शन माना जाता है, परिवर्तन जरूरी है ना। जनता की उदासीनता भी है, उदासीनता जनता की है कि जब सही तरीके से कोई योजना प्रोग्राम कार्यक्रम में सही तरीके से भागीदारी नहीं हो पा रहा है तो जनता की उदासीनता है। और कई टाइप में महिलाओं को आप महिलाओं के साथ अगर भेदभाव कर रहे हैं तो जनता की उदासीनता है। अब देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं, कई तरह के केसेस आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, तो ये कहीं ना कहीं जनता की उदासीनता ही है ना, ठीक है। सरकारी प्रयासों का अभाव, सरकारी प्रयासों का अभाव, सबसे पहले तो मेडिकल सोशल वर्क अपने बारे में ही सोच लें, क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग कि ये चुनौती हो सकती है सरकारी प्रयासों का अभाव? बिल्कुल, सरकार अगर सरकार प्रयास करे मेडिकल सोशल वर्क को रखने की जगह भाई, तो जाहिर सी बात है समाज बहुत आगे जाएगा। ये पता नहीं कब आँख की पट्टी उनकी खुलेगी सरकार। बिल्कुल, जहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, जहाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल राइट बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार का अर्थ अगर हम बात करें आचरण भ्रष्ट हो जाना, दूषित और निर्दयी आचरण जो है आचार विचार वाला हो, है ना, भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, जब सार्वजनिक धन या पद को इस्तेमाल सरकार अधिकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत लाभ के प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है तो ऐसे कार्य को भ्रष्टाचार कहते हैं हम लोग। और खासकर आजकल आप लोग नेताओं के बारे में सुन रहे होंगे, व्यक्तिगत हित की बात करने लगते हैं, व्यक्तिगत लाभ की बात करने लगते हैं नेता, गरीबों के पास वो पता नहीं योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। और इसी संबंध में आप लोगों ने अन्ना हजारे का नाम सुना ही होगा, भ्रष्टाचार लोक विधेयक बिल आपने शायद भलीभांति तरीके से परिचित होंगे। भ्रष्टाचार एक निवारण अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण एक अधिनियम है, जानते हैं कब का आया है भ्रष्टाचार निवारण एक्ट अधिनियम 1988 का है, 1988 का है ठीक है। और संशोधन हुआ 2013 में, संशोधन हुआ 2013 में। लोकपाल के लिए विशेष रूप से अभियोजन इकाई का गठन किया गया, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार एक निवारण अधिनियम आया, भ्रष्टाचार जो निवारण अधिनियम यही 1988 वाला है ना, यही 1988 वाला है ना। तो रिश्वत देने वाले को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, ये बात कही गई इसमें संशोधन में 2013 में। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ईमानदार कर्मचारियों का संरक्षण देने का प्रावधान हुआ इसमें, है ना, बहुत सारी बातें थी इसके अंतर्गत, ठीक है। आपने इसी के संबंध में आई थिंक सुना भी होगा अन्ना हजारे का नाम, अन्ना हजारे, हाँ, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बहुत सारे लोग थे, हाँ उसमें, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। तो जन लोकपाल विधेयक आंदोलन हुआ था, वो क्या था, जन लोकपाल विधेयक आंदोलन था वो। और ये लोकपाल विधेयक आंदोलन था ये था 2011 में, हाँ। निर्णय के लिए जारी किया गया आंदोलन की अखिल भारतीय स्वतंत्र में 5 अप्रैल 2011 को स्वयंसेवी अन्ना हजारे ने अपने साथियों के जंतर मंतर पर इन्होंने शुरू किया और अनशन के साथ इन्होंने बैठे। और उसी में आपको बता दूं मैगसेसे पुरस्कार के विजेता भी हुए थे अरविंद केजरीवाल, और भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी जो थी किरण बेदी, और साथ ही साथ एक वकील थे लोकधर्मी वकील प्रशांत भूषण, बहुत फेमस वकील हैं। पतंजलि के योगपीठ के संस्थापक हैं बाबा रामदेव, वो भी थे, है ना। ये सभी लोग क्या थे वहाँ पे अनशन पर बैठे हुए थे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, है ना।
तो 12 दिनों तक ये लगातार बड़ी संख्या में धरना चला था, प्रदर्शन चला था, अनशन आयोजित हुआ था। 28 अगस्त को अन्ना ने अपना अनशन जो है स्थगित रूप से स्थगित करने के लिए घोषणा कर दी थी 28 अगस्त को, ठीक है। तो ये था अन्ना हजारे के संबंध में, है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे जो है भ्रष्टाचार के संबंध में, ठीक है, ठीक है। और स्वाधीनता दिवस समारोह अन्ना हजारे के द्वारा अप्रैल के अनशन की समाप्ति की घोषणा की छाया की गई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें देखने को मिला था। तो इस चीज को भी आप लोग जो है जरूर ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी हम लोग पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ आपका ये टॉपिक हो गया समाप्त, ठीक है। अब आपका हम जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने इतिहास पर आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, एक बार जिक्र करता हूँ, देख लीजिए परिवार के बारे में, परिवार क्या है। अच्छा, परिवार के बारे में, परिवार परिभाषा वगैरह अभी आपका यूनिट नंबर 9 में भी आया। एक मिनट जरा, क्या पीडीएफ पीडीएफ अच्छा ये वाला, ये चुनौती, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल। तो ये देखिए, अगर मैं बात आपसे करूं परिवार को लेकर समाज कार्य में, तो ये यूनिट नंबर 9 में मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर देखिए परिवार वगैरह लिखा हुआ है, परिवार, बाल विकास, युवा कल्याण, उद्योग, और उसके बारे में मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग बातचीत कर चुके हैं, और यूनिट नंबर 9 में यहाँ पर बात होगी इसके बारे में, यूनिट नंबर 9 में, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हो चुकी, मैं इसकी पीडीएफ और वीडियो का लिंक आज भेज दूंगा। तो आज आपके टेलीग्राम चैनल पर, आज के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को यूनिट नंबर 1 की पूरी पीडीएफ जाएगी, और यूनिट नंबर 1 का पूरा प्लेलिस्ट जाएगा आपके पास, ठीक है। यह आपके पास आज कवर हो गया पूरा। अब कल से मैं यूनिट नंबर 2 पर बातचीत आप लोगों से करने वाला हूँ। अभी 8:30 बजे जो चलने वाली है क्लास, वो प्रैक्टिस होगी क्वेश्चनों पर, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इस पर। हाँ बोलिए, ऐसा करते हैं, सुनिए, कल कल जो है किताब पर ही जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। कल किताब पर ही बात कर लेते हैं कि किताब कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वैसे बुक का नाम आएगा, बुक का नाम आएगा, दिवस का नाम आएगा, अंतरराष्ट्रीय वर्ष का नाम आएगा। ये अलग से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, वो सब है, वो अलग से मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी करवाता हूँ, मैं बाद में करवाता। अगर आप लोग कहोगे तो मैं कल ही करवा दूंगा, और नहीं तो यूनिट नंबर कल 2 पर मैं बातचीत। चलो कोई बात नहीं, इधर ही कवर कर लेते हैं, यूनिट नंबर 1 समाप्त होने के बाद ही दिवस को कवर कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कवर कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है इसे भी कवर कर लेते हैं जो किताबों का नाम है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जैसी भी मर्जी आप लोगों की, आपको मैं कवर कर दूंगा, आप लोग डेली पढ़ते रहिएगा एक किताब का नाम, ठीक है, याद करते रहिएगा, ठीक है। तो अभी आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा 8:30 बजे वाली क्लास को, ठीक है ना।